राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। युवा दिवस के अवसर पर त्रिपुरा में उपस्थित भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजधानी अगरतला में एक जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सरकार के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश स्वावलंबन बन रहा है और युवा उसमें अपनी भागीदारी दे रहे हैं। एक जमाने में 387 मेडिकल कॉलेज होते थे और आज यह संख्या 700 से ज्यादा हो गई है। आज जन विश्वास यात्रा के समापन कार्यक्रम में इस ऐतिहासिक मैदान में एकत्र आए अगरतला में हमारी देवी और सज्जनों, आज युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी की जन्म तिथि है। यह बहुत ही शुभ दिन है जब एक संकल्प के माध्यम से त्रिपुरा की जनता का जन विश्वास लेकर हम यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हैं। मुझे आज खुशी है कि जब हम युवा दिवस मना रहे हैं तो भारत मोदी जी के नेतृत्व में और भारत का युवा सेल्फ रिलायंस स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो रहा है और आत्मनिर्भरता के दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे युवाओं का प्रशिक्षण हो, चाहे युवाओं को आगे लाने की बात हो, चाहे युवाओं के लिए स्टार्टअप्स हो और चाहे भारत को स्वावलंबन बनाने के लिए कोई भी कदम उठाना हो, हम गौरव के साथ आज कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश स्वावलंबन की ओर बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है और युवा उसमें अपना पूरा योगदान कर रहा है। एक जमाना था जब एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज होता था दिल्ली में। अटल जी ने 6 मेडिकल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोले और आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूँ कि भारत में 23 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खड़े हो रहे हैं। 23 अगर मैं बात करूँ तो एक जमाने में 387 मेडिकल कॉलेज होते थे और आज मुझे खुशी है कि पिछले 7 सालों में यह संख्या 700 से अधिक मेडिकल कॉलेज की हो गई है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो जहां हमारे मेडिकल की सीट्स 30,000 हुआ करती थी, आज हमारी मेडिकल की सीट्स 80,000 क्रॉस कर रही हैं। अगर मैं बात करूं आईआईटी की तो 16 आईआईटीज होती थी, आज 23 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैं। अगर मैं विकास की कहानी कहूं और पीडीएस की बात करूं तो कम्युनिस्टों के जमाने में सिर्फ चावल मिलता था, आटा मिलता था, केरोसिन ऑयल मिलता था और नमक मिलता था। आज मानिक शाह की सरकार में और पहले विप्लव देव की सरकार में पीडीएस में आपको चीनी भी मिलता है, मसूर दाल भी मिलती है, चाय भी मिलती है, सोयाबीन भी मिलता है, चावल भी मिलता है, आटा भी मिलता है, केरोसिन भी मिलता है, नमक भी मिलता है और आने वाले समय में सरसों का तेल भी मिलेगा और मसाले भी मिलेंगे। ये आपको याद रखना चाहिए मित्रों। इसलिए मैं आपको अपील करने आया हूँ कि अगर उजाले का मजा लेना है तो अंधेरे को पहचान के रखो और अगर उजाले का मजा लेना है तो याद रखो कि भारतीय जनता पार्टी को आगे लेकर के आओ और अंधेरे को वहीं बैठाए रखो, इसकी चिंता करो। और इसीलिए मैं अंत में आपको एक ही निवेदन करने आया हूँ, कम्युनिस्ट और कांग्रेसियों को आराम दो। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें राष्ट्र प्रथम। वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।